आप सभी लोग, तो आज से जो हमारी नवरात्रि है वो शुरू हो चुके हैं। बहुत खुशी का दिन है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि नवरात्रि आए हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग नवरात्रों के लिए जो है इंतज़ार कर रहे थे कि कब नवरात्रि आएंगे, कब नवरात्रि आएंगे। तो फाइनली हमारे जो नवरात्रि है वो आ गए हैं, हमारी माता रानी आ गई है हमारे घर पर। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें क्या होता है, कई बार परेशानी होती है कि जब हम कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिक्कत आती है, पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो आज मैं बात करूँगी कि अखंड ज्योति के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किस तरीके से करना अच्छा रहेगा और आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हैं जिससे आपको डर भी ना लगे, कोई समस्या भी ना हो और अच्छे से आप जो अपना व्रत है वो पूरा कर पाए अखंड ज्योति के साथ। तो ये देखिए, मैंने जो अपनी अखंड ज्योति है वो जला रखी है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो अपने अखंड ज्योति को, जैसे कि ये बाती अगर नीचे तक हो चुकी है या फिर इसमें घी ख़त्म हो चुका है तो आप घी कैसे डालें और कैसे आप इसको नीचे करें, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, मैंने ये पास में ही घी रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से घी है तो वो मैं ऐसे ले लूँगी और साइड करते हुए इस तरीके से इसके इस तरफ से मैं इसके अंदर जो घी, जो ये घी दिख रहा है आपको, ये डाल दिया मैंने, ये देखिए, और आसानी से ये इसके अंदर चला गया। इसी तरीके से आप डाल सकते हैं। मेरा अभी इतना कम नहीं हुआ है तो मैंने थोड़ा डाला है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको ऊपर बाती करनी है तो वैसे तो इस तरीके की जो चिमटी आती है, कई लोग आईब्रोज के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अपने पिछले नवरात्रों में भी इसको इसी चीज़ के लिए, जो हमारी बाती है उसके लिए यूज़ किया था, अब भी मैं ऐसे करूँ। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हुए इस तरीके से जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये देखिए आसानी से ऊपर हो गया। लेकिन फिर भी अगर किसी को डर लग रहा हो कि नहीं पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप इस तरीके की बाती ले लें, ये देखिए जो हमारी ये बाती है, इसको अब हम यहाँ पे इससे ऐसे जला लेंगे, इसको यहाँ पे जला के छोड़ देंगे और फिर आप इसको आसानी से जो है कि ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो आपकी जो जोत है वो बुझेगी भी नहीं, खंडित नहीं होगी वो, और आप आसानी से फिर इसको, अगर बुझ भी जाए तो ये जो आपकी बाती है ये तो वही उसी से ली हुई है ना, तो ये आपकी खंडित नहीं होगी, आप इससे इसको जला सकते हैं। एकदम आसान तरीका है, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, मैं बताऊँगी आपको। और उसके साथ ही हम जब शाम को भोग लगाते हैं तब भी हमें इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे ये बाती हमारी यहाँ पे है, सुबह करेंगे तो ये बाती जो अलग से जलेगी और फिर हम लोग ये जो भोग लगाते हैं माता रानी को वो करते हैं। और पूरा दिन मैं कैसे बिताती हूँ, मैं दिन में घर का काम कर लेती हूँ या फिर मैं इस तरीके से भगवान जी के जो पाठ होते हैं वो मैं करती रहती हूँ दिन में बैठ कर, ताकि भगवान का नाम रहता है जुबान पर और अच्छे से हमारी जो है हो पाती। तो इसी तरीके से आप अपनी बाती को ऊपर कर सकते हैं और आसान तरीके से आप भी अखंड नवरात्रि करना चाहते हैं अखंड ज्योत तो कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करिए। और बाकी की जो आपको थोड़ा बहुत अगर डर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो माता रानी आपके हर डर को हर चिंता को दूर कर देगी, वो अपने आप ही इतनी हिम्मत दे देती है कि आप अखंड कर पाएँ या फिर भूखे रह पाएँ, इन सब चीज़ों के लिए माता रानी हिम्मत दे देती है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो यही कहूँगी, अपने मन से दिल से करिए और आसानी से आपका जो नवरात्रि का व्रत है वो पूरा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा मंदिर है, ये मैंने डेकोरेट किया। तो देखिए, अगर हमारी जो लाइट है वो चली जाती है या फिर भाई अगर हम अंधेरा हो जाएगा तो इस तरीके का जो ये है इस तरीके से लगेगा। ये देखिए, ये मेरा मंदिर है और यहाँ पे मैंने अपना सोने के लिए जो है आसन डाला हुआ है, क्योंकि अखंड करते हैं तो हम नीचे सोते हैं। तो और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी बता पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।